नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया अभय शर्मा और आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश 22 की बहनों में। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का अटूट बंधन है। कहते हैं कि जिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेती है, लेकिन अब 2022 में इस पर्व के मायने भी बदल गए हैं। अब बहन भी भाई का रक्षा कवच बनकर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। बहनें वो जिम्मेदारियां उठा रही हैं जो पहले भाई निभाते थे। आर्थिक और सामाजिक रूप से बहनें भी आगे बढ़ रही हैं और कह रही हैं कि हम हैं 2022 की बहनें। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बहनों की जो राजधानी रायपुर में ऑटो रिक्शा चलाकर घर की जिम्मेदारियां निभा रही हैं। ये बहनें किसी भाई की तरह काम पर निकलती हैं और कहती हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। हम आपको एक ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे महिलाओं की जो एक तरह से संघर्षरत है, जो अपने परिवार का भरण पोषण जो है वो कर रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरी ई रिक्शा चलाने वाली महिलाएं हैं जो अपने क्षेत्र में अपने हुनर से अपने परिवार को और अपने पूरे जो लोग हैं उनको चला रही है। हम सीधे इन्हीं लोगों से बात करते हैं। दीदी, आप लोगों की तैयारी क्या कुछ है राखी को लेकर? राखी को लेके क्या तैयारी है, सुबह चलाना है हम लोग को राखी और शाम को बांधेंगे भाई को। पेट के लिए तो गाड़ी त्योहार लगे ना बाहर लगे चलाना ही पड़ता है। दीदी, आप भी आए हैं, कैसी परिवार की स्थिति है और राखी में कैसी तैयारी? आप स्थिति तो अभी सही नहीं है दीदी, राखी में सुबह चलाएंगे शाम को राखी बांधने जाएंगे भाइयों को। ऑटो आप लोग चलाते हैं, परिवार की स्थिति कैसी थी आप लोगों की, कैसे शुरुआत की इस ऑटो रिक्शा को? परिवार की स्थिति सही नहीं थी दीदी, इसलिए स्टार्ट किए हैं, चला रहे हैं। चलाने के लिए अपना रोजी निकल जाती है। कितने सालों से आप लोग ऑटो चला रहे होंगे, रिक्शा कितने सालों से चला रहे हैं और क्या कैसे पर इसमें आने मतलब चलाने का कैसे सोचा? 3 साल हो गया है मेरे को। मैं तो पहले काम करती थी, अपना जॉब करती थी, उसके बाद लगा के नहीं हो सकता और जॉब में पूरा घर नहीं चल सकता, इस फिर सबको देखी कि गाड़ी चलाते, फिर मैं भी चलाई, अपना हिम्मत करी चलाने का। महिलाएं जो है अभी ई रिक्शा चला रही हैं, बड़े बड़े गाड़ियां चला रही है, एयरप्लेन भी उड़ा रही है। कैसे अब आप लोग ई रिक्शा चलाने की शुरुआत किए थे, क्या कुछ परिस्थितियाँ परिवार की ओर से? दरअसल मैं सिलाई करती थी पहले, उसके बाद मेरे पापा जी का तबीयत थोड़ा ख़राब हुआ ना, तो उनका ऑटो मैं निकाली चलाने के लिए। ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है मेरे को, 4-5 महीना हुआ है चलाते, चला रही हूँ। घर का कंडीशन अभी सही नहीं है, संभल जाएगा ऐसे करके। जैसे आप खुद भी देख सकते हैं कि ये वही महिलाएं हैं जो अपने परिवार के लिए एक कंधा बनी, भाई का जैसे एक सहारा बनी। यहाँ पे एक बच्ची भी है जो इनकी मतलब दीदी चलाती है, जो उन्हीं की है, उनसे भी मैं बात करती हूँ। बेटा, आप कौन सी क्लास में हो और अभी कैसा लगता है मम्मी रिक्शा चलाती है? मैं 5th क्लास में हूँ, मेरी मम्मी रिक्शा चलाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी आप यहाँ घूमने आए हो, लोग ऐसे आते होंगे बैठते होंगे, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। दीदी, आप लोग के परिवार में जैसे बच्चे बच्चे कितने हैं और कैसे क्या चीजें रहती हैं? माँ है, दो बेटी है, एक माँ है, हम चार ही परिवार है रहते हैं, पति नहीं है। देख सकते हैं कि इनके एक तरह से पति ना होने की वजह से ये जो है वो ई रिक्शा चलाती हैं और अपने परिवार को चला रही हैं। अब यहाँ पे दीदी जो है जो हमको इस ई रिक्शा में घुमा रही थी, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। दीदी, आपने ई रिक्शा चलाने का कैसे ठाना और कैसे इस क्षेत्र में आपने काम किया? ऐसा था, मेरे घर की परिस्थितियाँ मेरे ऊपर आ गई थी, सारे मेरे मिस्टर की तबीयत खराब थे और वो काम करने योग्य नहीं थे, इस वजह से मुझे अपने घर की जिम्मेदारी मेरे सर पे थी। तो मुझे यही वर्क सबसे अच्छा लगा, एक तो मैं पैर से हैंडीकैप हूँ तो इसकी वजह से काफ़ी जगह मुझे काम भी नहीं मिला पैर की वजह से, कि तुम क्या कर पाओगी, ये समस्या सबसे बड़ी मेरे सामने चुनौती बन के खड़ी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में मेरे को घर की जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर थी और काम भी नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से मैंने ई रिक्शा को ही चुना, ताकि मेरे को देख के मेरी जैसे और महिलाएं हैं वो भी आगे आए समाज में और इस फील्ड को अपनाए और अपना घर का पूरा जिम्मेदारी। दीदी, आपने ये बात बोला कि परिवार के लोग जो है वो आगे आके अपने सपोर्ट किए, आपके लिए जब आपने चलाया होगा ई रिक्शा तो समाज में कैसा मतलब रिस्पॉन्स है, क्या चीज़ें थी?
पहले तो समाज में रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, इसलिए कि महिला होके चला रही है तो अजीब से दृष्टिकोण से देखा जाता था, लेकिन आज के स्थिति में काफ़ी अच्छा है। काफ़ी घर के लोग, बाहर के लोगों काफ़ी सम्मान से की दृष्टि से देखते हैं, तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि हमको सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। और हमारे हाथ में एक रोज़गार भी है जो हम अपने इच्छा अनुरूप इनकम करके अपने बच्चे का अच्छा। जैसे आपने बताया कि अभी मैंने दीदियों से भी बात किया, उन लोगों का भी कहना है कि कुछ के पति नहीं है, कुछ के परिवार में भाई नहीं है, कुछ के जीवन में ऐसा है कि कुछ कमाने वाले लोग नहीं है, जिसकी वजह से वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भाई होते हैं तो उनके एक उम्मीदें रहती, आप लोग क्या कुछ तैयारी किए हैं, क्योंकि आप तो अपने घर के लिए एक भाई के तौर पर ही काम करें, कैसे देखते हैं जी? राखी नहीं, हरि त्यौहार हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जैसे सबके लिए होता है, पर यह है कि इसमें हम लोगों का रोज़गार है और रोज़गार से रिलेटेड है, लोग का आना जाना रहता है, मार्केट भीड़ रहती है, तो इस वजह से हम लोग भी सोचते हैं कि दो पैसा एक्स्ट्रा कमा ले ताकि हम लोग अपने घर के लिए थोड़ा अच्छे से इनकम कर ले। इस वजह से हम लोग थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने परिवार को भी कुछ समय निकाल के देते हैं। दिन भर ऑटो चलाएंगे, शाम को अपने भाइयों को हम लोग भी राखी बनाएंगे। जैसे कि इन सभी ने भी कहा कि दिन भर इनके जो काम रहेगा ये करेंगे, ऑटो चलाएंगे, जितना रोजी मजदूरी होगा वो उसी को कमाने के बाद अपना शाम को घर जाएंगे और राखी जो है वो बांधेंगे। जैसे कि इनसे सभी महिलाओं से हमने बात किया और सभी महिलाओं की पारिवारिक स्थिति जो है वो दयनीय है, जिसकी वजह से उन सभी महिलाओं ने ई रिक्शा चलाने का ठाना और आज के समय में अपने परिवार को पाल रही है, इसके साथ ही अपने बच्चों को उच्च शिक्षा तक भी शिक्षा जो है वो ये दिला रही है। सभी महिलाओं से आपने मिला, राखी की क्या कुछ इनकी तैयारियाँ हैं, राखी में किस तरीके से ये अपनी तैयारियों को लेकर आप लोगों से चर्चा किया और क्या कुछ परिवार वालों का कहना है, इसे भी इन्होंने साझा किया। कैमरामैन दीपक के साथ दामनी बंजारे, बंसल न्यूज़, रायपुर।